आईटी सेक्टर में काम करते हो या प्राइवेट सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में काम करें, ठीक है, इट इज़ 2023 एंड रिसेशन चल रहा है, तो आप प्रिपेयर किए हो कैसे इसको हैंडल करना है। प्रिपेयर करने के लिए उसके लिए अलग वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको जाके देखो। पर आर यू प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली एंड हाउ टू मैनेज इट, उसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। एक सेक्टर में अगर वो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अगर काम करते हो तो उसके लिए आपको जितना भी पैसा मिलता है उसको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब से आपको पैसा ज़्यादा मिलता है प्राइवेट जॉब में, ये तो सही है, पर हाउ टू हैंडल दैट, हाउ टू हैंडल वाइजली, दैट यू नीड टू नो। ओके, सो इफ यू आर वर्किंग इन आई टी एज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन आई टी, सो इफ यू आर वर्किंग इन कॉग्निजेंट, TCS, Wipro, इन एनी अदर आई टी फर्म, सो इफ यू आर टेकिंग EMI, इफ यू आर टेकिंग लोन्स, दैट इज़ अ बिग लाइबिलिटी फॉर यू, बिकॉज यू डोंट नो अगले 6 महीने आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, अगले 6 महीने में आपका जॉब रहेगा कि नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2023 इज़ अ रिसेशन ईयर, अमेरिकन मार्केट इज़ नॉट स्टेबल एंड वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स आर देयर इन इंडियन कंपनीज, सो यू माइट बी अफेक्टेड थ्रू फोर्स रेजिग्नेशन, फायरिंग, देयर इज़ अ हायरिंग ब्लॉकेज इन इंडियन मार्केट, सो दैट आर द थिंग्स यू विल फेस ऑफ। सो इसको कैसे ओवरकम करें, आप कोई भी लोन्स, कोई भी EMI में अभी कुछ मत लो, ठीक है, जो भी आपका सैलरी है उसको सेव करो। ओके, सेविंग इज़ द मेन पर्पस फॉर योर लाइफ इन दिस IT कंपनी। ओके, बस एटलीस्ट 2023 तक आप करो। सेविंग करने का बहुत सारी जगह है, उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लाइक स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे आपका पैसा सेफली सिक्योरली अच्छी जगह पे इन्वेस्ट होगा एंड आपका पैसा भी एनुअलाइज रिटर्न बहुत अच्छा देगा, 12-15%। सो आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है एंड आपको अभी टेक्निकल स्किल्स बहुत बहुत इम्प्रूव करना है। अगर आप जावा के बंदे हो, अगर आप सेल्सफोर्स के बंदे हो, वो कोर्स सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है, उसका डिटेल्ड ओवरव्यू बहुत अच्छे से लो, कि आपको अगर कोई इंटरव्यू फेस करने पड़े तो बहुत अच्छे से आप वो क्लियर कर सको, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आर लेस। बट व्हाट यू शुड डू, यू शुड लर्न मोर एंड मोर डोमेन्स, लाइक इफ यू आर फ्रॉम सेल्सफोर्स यू शुड लर्न जावा बैक एंड ऑल्सो, यू शुड लर्न फ्रंट एंड ऑल्सो, इफ यू आर फ्रॉम बैक एंड यू शुड लर्न मीन्स यू शुड लर्न फ्रंट एंड ऑल्सो, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क लाइक React, Angular, okay. You should deliberately learn in this recession period to stay your job healthy, and that will help you to take new job in another domain also. Okay. So don't take loans, don't buy things on EMI. Okay. So that will really help you, right? So that's it for this video. Hope you get a clear ideology for your next 6 months to 7 months. एंड आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड अभी मैं बाहर हूँ, बाहर टहल रहा हूँ एंड ये वीडियो बनाने का मुझे दिमाग में आया, तो क्योंकि दिस इज़ अ टफ टाइम, आई कैन फील, आई नो यू ऑल्सो कैन फील। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।